अरे नंदवा बैठ, तुमने वास्ते ना आज हम आलू का पराठा बनाए हैं। आलू का पराठा? वैसे भाभी ये पराठा तुलिका को कितना पसंद है ना। अब वैसे कब लौट रही है तो हर जुर्म के साथ ही? झूठ कहे तो कहो, जुर्म के साथ ही? गौरी हम ना तो हर मतलब नहीं समझे। अरे का करना चाहते हो तुम? भाभी इतने सारे पराठे आप दोनों मिलकर खा जाया करते थे, बना बना कर हम थक जाते थे। ओ अब हम समझ गए। अब हम बस ये रख कर आए, आप तब तक नाश्ता लगा दीजिए। हेलो जी अभिमन्यु। गौरी तुम तैयार हो ना, वुमेन्स डे के फंक्शन के लिए जाना है। जी बस तैयार हो ही रही हूँ, अब नाश्ता कर रही थी, 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। अरे एक्चुअली मुझे फोन आया था उन लोगों ने, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूँ। अच्छा तुम्हें पता है वो टीवी के मशहूर एक्ट्रेस सुनीता रावत, वो भी वहाँ पे होंगी तुम्हारे साथ चीफ गेस्ट। अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, जिन्हें इतने टाइम से टीवी पर देखा था आज उनके साथ स्टेज पर होंगे। गौरी दिस इज योर हार्ड वर्क, यू डिजर्व इट, आज तुम भी एक सेलिब्रिटी हो। और वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमें आपके जैसा पार्टनर मिला कॉम्पिटिशन में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा 15 मिनट है तुम्हारे पास, मैं पहुंच रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। बाय। जी बाय। गौरी का हुआ, किसका फोन था, कहीं जात हो तुम? भाभी आज वुमेन्स डे है ना, तो बस उसके फंक्शन पे, मतलब वुमेन्स डे मतलब जो दिन औरतों के नाम होता है, जिस तरह से मेहनत करके औरतें घर संभालती हैं, दुनिया चलाती हैं, बस उसके लिए उनका शुक्रिया करने के लिए। झूठ कहे तो कहो गौरी, अरे उनके लिए अलग से दिन निर्धारित करने का क्या जरूरत है? सब दिन ना गौरी एक समान होते। भाभी आप सही कह रही, लेकिन क्या है ना, जैसे जैसे हमारा जन्मदिन होता है ना एक खास दिन, वैसे आज का दिन औरतों के लिए खास होता है। हमारी खुशनसीबी है कि हमें उस एनजीओ में बतौर गेस्ट बुलाया जा रहा है, बस उसी के प्रोग्राम में जा रहे हैं। अरे वाह गौरी, कितना बड़ा प्रोग्राम होगा ना, कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। वैसे गौरी वो लोग तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं? झूठ कहे तो कहो गौरी, वैसे भी आज औरतों का दिन है और गरीब बेसहारा औरतों के लिए हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना, है ना? भाभी आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, ये फंक्शन उन्हीं बेसहारा औरतों के लिए है, और अगर वो हमें पैसे देते भी ना तो भी हम कभी नहीं लेते, हम हमारी तरफ से उनके लिए उपहार लेकर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा भाभी हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं। अरे गौरी नाश्ता तो करके जा। अब जी भाभी कर लेंगे, बाय। सुबह सुबह करप्शन है। वुमेन्स डे, आज वुमेन्स डे है, सही है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ तो आज वुमेन्स डे है। वुमेन्स डे मतलब मुझे भी अपनी वुमेन के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। वुमेन्स डे है तो शॉपिंग कराओ, घुमाओ फिराओ, वुमेन को सबसे ज्यादा पसंद तो यही है, तो चलो जल्दी से फोन लगाओ। हेलो। हाँ शिव बोलो। मैं क्या बोलूं? ओए वुमेनिया, आज वुमेन्स डे है, पता भी है तुझे? हाँ हाँ अच्छे से याद है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है मेरी। हाँ मेरी तो स्पेशल वाली नॉलेज भी बहुत अच्छी है, सिर्फ जनरल नॉलेज से काम नहीं चलता ना आजकल। अंदर आओ। फोन से अंदर? अब नहीं नहीं तुम नहीं। अच्छा बाबा वो सब छोड़, आज स्पेशल डे और मैं स्पेशली तुझे बाहर लेके जाना चाहता हूँ, तो तू जल्दी से रेडी हो जा, हम लोग बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, शॉपिंग करेंगे। क्या खरीदना है तुझे? आलू। आलू? आलू? तुझे मेरे साथ चल के आलू खरीदना है? नहीं वो वो सब छोड़, अब तू ये काम कर, जल्दी से रेडी हो जा, ठीक है? मैं एक घंटे में आ रहा हूँ, तुझे पिक करूंगा, उसके बाद हम साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बेल पूरी खाएंगे और शिफ, 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 हमारी बात तो सुनो। अच्छा बाबा सुनाओ, क्या सुनाना है? हम कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ तू जल्दी से रेडी हो जा। हमारा मतलब है हम पहले से ही कहीं बाहर जा रहे हैं, एक एनजीओ है उसी का एक फंक्शन है। ओ ओके, विंग्स वाले भेज रहे हैं क्या तुझे? कौन सा एनजीओ है? नहीं वो हमें कुछ नहीं पता,
अभी मेन्यू लेकर जा रहे, बस हमें पिकअप ही करने आए। ओके, तुझे जाना है तो जा। आई मीन वैसे भी आज वुमेन्स डे है और तू वुमेन है, तो जो तू चाहेगी वही तो होगा। वैसे रोज भी वही होता है, तो आज क्या स्पेशल है ना? शिव तुम, अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, टांग खींच रहा हूँ तेरी। हाँ फिर ठीक है अब। अच्छा ठीक है, हम लोग शाम को मिलते हैं, तब चलेंगे डिनर पर। ठीक है अभी के लिए बाय। हाँ अभी के लिए ही तो तू बाय कर रही है क्या? आई मीन अभी के लिए बाय और शाम के लिए हाय, है ना? अच्छा सर ठीक है, बाय 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 बाय, चले। अब ये हाथ में ले लीजिए, चलिए चलिए चलिए। एक और पराठा ले लूं? हाँ चले। वैसे क्या नाम है एनजीओ का? रिवाइविंग रोजेस फाउंडेशन। ये तो बहुत अच्छा नाम है, जैसे गुलाब को पुनर्जीवित करना। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे बच्चों की जिंदगी को नई दिशा दी है, नई खुशियां दी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, बेसहारा लड़कियों की शादी कराना, पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग। लेकिन आप उन सब के बारे में कैसे जानते हैं? वो एक्चुअली जिस जिस डांस कॉम्पिटिशन में हमारे अकेडमी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना, वहाँ पे एनजीओ के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट इस बार तो वो जीत गए। कितना अच्छा लगता होगा ना उन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर, जिन्हें किस्मत ने रोने पर मजबूर किया है। वेल, मुझे पक्का पता है कि तुम वहां जाके बहुत एंजॉय करने वाली हो और तुम बहुत सारे बच्चों को अपनी बातों से इंस्पायर करोगे। हम ये तो नहीं जानते हैं कि हम किसी को कितना प्रेरित कर सकते हैं, पर हाँ हम इतना जानते हैं कि हम उन बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और हम लोग पहुंच गए। हाँ तो गौरी तुम अंदर जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और आप? एक्चुअली मुझे ना एक बहुत जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। तुम्हारी स्पीच खत्म होने से पहले आ जाऊंगा मैं। जितना ज्यादा वक्त लगा सकते हैं उतना लगा लीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय। गौरी गिफ्ट लेते जाना। लेती हूँ। आई होप गौरी तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही छोटी छोटी खुशियां देता रहूं। हाँ राइट, दो लोग 8 o'clock शार्प, कॉर्नर वाली टेबल जिसके पीछे फाउंटेन लगा है, राइट वही। ओके थैंक यू, बाय। वाह, तुझे पता है लोग पिक्चर हॉल में कॉर्नर सीट बुक करते हैं, वो तो रेस्टोरेंट में कर रहा है। अरे मच्छर होते हैं कॉर्नर सीट में। ओए तेरी नुक्कड़ की चाय की दुकान नहीं है जो मक्खी मच्छर भिनभिनाएंगे, समझा? ड्रैगन स्टैंड सबसे अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है मुंबई का। अरे पता है यार, उससे अच्छा चाइनीज ना वो नुक्कड़ वाला बनाता है, चाइनीज आदमी जैसा दिखने वाला नेपाली जो झाड़ू से कढ़ाई साफ करता है। ओए, तुझे कैसे पता वो नेपाली है? अरे उसका बाप, उसका पापा हमारी बिल्डिंग का चौकीदार है। और एक बात बता, तुझे चाइनीज कब से पसंद आया? अबे मुझे थोड़ी ना अच्छा लगता है यार चाइनीज, मुझे तो अब भी पसंद नहीं है, पर वो तो गौरी को। अच्छा तू तो लड़की के लिए चाइनीज, तो क्या तू तो कॉकरोच भी खाएगा। लड़की नहीं गौरी, सिर्फ गौरी के लिए। और बाय द वे तुझे पता है ड्रैगन्स 10 रेस्टोरेंट में ना लोगों को महीनों तक बुकिंग नहीं मिलती, महीनों तक रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन मैंने, सिर्फ मैंने गौरी के लिए टेबल बुक करा ली है। कैसे? रिक्वेस्ट का मुजरा करके। अबे यार साले, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अबे तू लोगों को जानता है यार, लोग तुझे नहीं जानते। साला मूड खराब कर दिया। तुझे पता है ड्रैगन्स 10 रेस्टोरेंट में ना क्या टेस्टी खाना मिलता है। और खाना छोड़, तुझे पता है वहां बस एक बार ऑर्डर कर दो घंटों तक खाना नहीं है। ऐसा नहीं कि खाना खाओ और किसको। भाई सच में आराम से ही मिलता होगा, जब तक वो अंडा तोड़ने वाले होते हैं ना तब तक उसके अंदर से मुर्गी निकलती होगी, है ना? कोई तुझे हो क्या गया है, इतनी बुराई क्यों कर रहा है? यार मैं होटल का मालिक हूँ और तू मेरे कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहा है, तो बुराई तो करूंगा ना मेरे दोस्त। तुझे पता है अगर गौरी यहाँ होती ना तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे देती तुझे कि कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करते। अरे सही है ना यार, देख फालतू में तू अभिमन्यु से जलता है,
गौरी को पटा ले और अभिमन्यु को हटा ले मेरे दोस्त। हलवा है ना? आज 8 मार्च है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाया जाता है। आज ही के दिन हर साल हमारी इंस्टीट्यूट औरतों को सम्मानित करती है। इस बार की हमारी थीम है बदलाव। हम सभी औरतों को मिलकर आज के हमारे इस समाज में औरतों के लिए बदलाव लाना चाहिए। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं टेलीविजन की सुप्रसिद्ध कलाकारा सुनीता रावत। ये पिछले कई सालों से पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी रही हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी और ये भी चाहूंगी कि यहाँ आए और कुछ कहें। थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिल रही है। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे जो देखने को मिले। मैंने टीवी में बहुत सारे रोल निभाए, कभी बहन का, कभी बेटी का और कभी बहू का। लेकिन एक रोल है जिसे निभाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है और वो है पर्यावरण के कार्यकर्ता का। पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या फूल पत्ते नहीं होता, बल्कि हम सब पर्यावरण का एक हिस्सा है। और ये बैलेंस बनाए रखने के लिए हम सभी को संतुलन में रहना बहुत जरूरी है, जिसका एक अहम हिस्सा है बच्चे। अब क्यों ना हो, आखिर ये बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी मुझे यहां बुलाने के लिए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आज की दूसरी अतिथि को, जिन्होंने नचले इंडिया के कंपटीशन का खिताब जीतकर हम सबके दिलों को भी जीता है, मिस गौरी श्रीवास्तव। वेलकम। थैंक यू। हम आज आपके सामने खड़े हैं, हम बता भी नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। हमारा मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे इतने सारे लोगों के सामने उन्हें इंस्पिरेशन देने के काबिल भी होंगे। अब देखिए ना, मिर्जापुर के छोटे से टीवी पर हम सुनीता जी का शो देखा करते थे। परिवार की सबसे बड़ी बहू थी उस शो में। पर अक्सर इनका शो देखते हुए हम ये सोचते थे कि एक इंसान की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें कैसे आ सकती हैं। जैसे गैस खत्म हो गई, दाल जल गई, पर घर की बड़ी बहू थी तो सब इन्हें ही आकर डांटा करते थे। पर फिर सच रियलाइज हुआ कि हम सबकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी होती है और इन प्रॉब्लम से जो सबसे पहली चीज बदलती है ना, वो होते हैं आपके सपने। अब देखिए ना, आप सबको ऐसा ही लगता होगा कि अगर जरा से मार्क्स कम के आए स्कूल में तो नहीं नहीं हम आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। जरा सी मुसीबत का सामना करके डर के आप ना सपना ही त्याग देते हैं। और यही सीख हमने सुनीता जी के शो से और अपनी जिंदगी से ली कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे लाख मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कभी अपना सपना मत छोड़ना। और इसमें आपका साथ देगी आपकी परवरिश, आपकी जड़ें। जैसे जड़ें पेड़ों को सहारा देती है, जैसे सुनीता जी की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आने के बावजूद वो अपने परिवार का प्यार पाने में कामयाब हुई। और हमने भी चाहे लाख मुसीबतें आई, अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा, अपनी परवरिश अपनी परंपराओं से सीख ली और आज हम यहाँ हैं। इंसान चाहे कितना मर्सी ऊपर उठ जाए, लेकिन उसे अपनी परवरिश अपनी परंपराओं और अपने आदर्शों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि चाहे आप आपके परिवार का प्यार पाना चाहते हो या फिर दुनिया का, आपकी परवरिश आपकी जड़ें और आपका हार्डवर्क आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुँचा देगा। एक मिनट में भी आई।
अच्छी पेंटिंग है ना ये? सुनीता जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अंदर कह नहीं पाए। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैंने सुना आपकी स्पीच में, वैसे बहुत अच्छी थी आपकी स्पीच, बहुत कुछ याद आ गया मुझे। एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग, जिस तरह आपने जड़ों की बात की, परवरिश की बात की, वैल्यूज की बात की, मुझे बहुत कुछ याद आ गया। क्या? देखो गौरी, तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो। मेरी भगवान से दुआ है कि तुम्हारी जैसी साफ और सच्चे दिल वाली लड़की के साथ कभी कुछ बुरा ना हो। पता है गौरी, इस शो बिजनेस की एक बात है, वो तुम जान लो, यहाँ जो कुछ भी दिखता है ना, जो कुछ भी, सब झूठ, सब दिखावा है। यहाँ जो दिखता है बस वही बिकता है, और जब इस फेस की वैल्यू कम हो जाती है ना। सुनीता जी, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आफ्टर ऑल ये लाइफ मैंने ही तो चूज की थी। हाँ, लेकिन हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई गलती ज़रूर करता है, मैंने भी की, इसलिए मैं तुम्हें भी कहती हूँ, अगर लोगों के दिल तक पहुँचना है तो अच्छा काम करो, क्योंकि लोग तुम्हारा चेहरा तो भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारा काम वो कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, अब तक तो तुम मुंबई के रंग में रंग गई होगी। हाल ही में दक्षिण भारत में पड़े ओलों से मुंबई के मौसम पर कोई भारी असर नहीं पड़ा है। आज भी मुंबई में तापमान एक समान रहेगा। हाय हाय, अगर ऐसे ही सब कुछ सामान रहा तो हमारे वो हमें सामान के साथ मिर्जापुर वापस लेके जाएंगे। नहीं नहीं, हमका ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गौरी की जिंदगी में तूफान आएगा तभी ना हमारा मुंबई में आशियाना बना रहेगा, लेकिन क्या करें हम? कमली। हाँ कमला, कमली। हेलो शिव। हाँ भाभी बोलिए, आज कैसे याद किया मुझे? झूठ कहें तो कहो शिव। अरे अपने तो हमेशा याद आते हैं, उन्हें याद करने के लिए फोन करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। हाँ ये भी सही है, अब ये बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हमारे लिए नहीं शिव, हमने तो आज तुम्हें गौरी के लिए फोन किया था। गौरी, क्या हुआ? नहीं नहीं, गौरी को कुछ नहीं हुआ, पर शिव कमला, गौरी के बाबूजी है ना, वो तुम्हारे गुरुजी जो है ना। गुरुजी? गुरुजी को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गुरुजी तो बिल्कुल ठीक है, पर तुम तो जानते ही हो ना शिव, हाँ, कि उनके पूरे शरीर पर लकवा मारा हुआ है। हाँ भाभी, पर आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो शिव, गौरी को ना कुछ मत बताना, हम ना उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। भाभी भाभी, बात क्या है बोलिए ना। आप शिव, कल ना तुम्हारे भैया का फोन आया था, उन्होंने बताया ना कि बाबूजी के इलाज के लिए ना और भी ज्यादा पैसे लगेंगे, खर्च बढ़ता ही जा रहा है, और तुम्हें तो पता है ना कि कमाई तो अभी शुरू भर हुई है। हाँ भाभी, लेकिन पैसे तो आ जाएंगे ना। झूठ कहे तो कहो, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमें पैसों से कोई लगाव नहीं है, पर शिव गौरी को उसके बाबूजी के लिए पैसे तो कमाने ही होंगे ना, और तुम तो जानते ही हो गौरी तो हमेशा कहती रहती है हम ये काम नहीं करना चाहते, हम वो काम नहीं करना चाहते। हाँ भाभी, ये सब उसके लिए नया है ना, बस इसलिए। हाँ शिव, इसीलिए तो हमने तुम्हें फोन किया है। शिव, तुम्हें ना गौरी को समझाना होगा कि उसे ना काम करते रहना होगा, क्योंकि पैसे आएंगे तभी तो बाबूजी की जान बचेगी ना। भाभी भाभी भाभी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा, मैं सब समझा दूंगा। हाँ शिव, अब तो ना हमें बस तुम्हारा ही सहारा है। तुम ना गौरी को सब अच्छे से समझा देना। ठीक है अब। अच्छा शिव, अब हम फोन रखते हैं, हमारे ना पूजा का समय हो रहा है। जी बस उतर गया बोतल में, ये हमार गौरी को काम करने के लिए जबरदस्ती उकसाएगा, और हमार गौरी तो पहले से ही इतनी ज्यादा परेशान है, आग और पानी एक जगह टकराएगा
तो धुआं तो उठेगा ही, और उस धुएं में हमारी दाल तो अपने आप गल जाएगी। देखो गौरी, तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी। इस शो बिजनेस की एक बात है, यहाँ जो कुछ भी दिखता है ना, सब झूठ, सब दिखावा। यहाँ जो दिखता है बस वही बिकता है। गौरी क्या हुआ, जब से एनजीओ से आई हो कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है? नहीं अभिमन्यु, कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे लग रहा है कि कुछ तो बात है, बताओ ना क्या हुआ। नहीं कुछ बताने के लिए है ही नहीं। एक्चुअली हम थोड़ा सा वक्त अकेले में चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, शायद खुद से बातें करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें बात करनी हो ना तब फोन करना। ओके ठीक है।